just see one initiative from the area. Tilanga investing now in a new textile park. Technical textile help us to survive. And those of you who have been in Frankfurt this year might remember living in space, where we demonstrated how textiles can help us to get into space and live around. Just as an example. I'm very pleased to say that India is growing part of it. Looking back to Tech Textile Frankfurt, we've welcomed 40 exhibitors from India and over 630 visitors. The visitors roughly doubled, and we have 25% more companies from India in Frankfurt. This shows how smooth and how fast Tech Textile India is growing. Also, this show is bigger than the past. So, from that point of view, I'm very optimistic that this show will be a success for all of you. So, I'd like to thank the officials, the associations, our exhibitors, and also my colleague here from Mumbai, doing a great job being with us, and I wish all participants in the show successful 3 days. Thank you.
आज आप शायद किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप रोज़ जो यूज़ करते हैं, शूज़ से लेके रोडवे से लेके से फॉर एग्जांपल आपके कपड़ों से लेके जो मेडिकल में यूज़ होता है, जो डिफेंस में यूज़ होता है, हर चीज़ में जो टेक्सटाइल्स यूज़ होता है उसे कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये अवेयरनेस हम इस इंडिया में लाना चाहते हैं, हम सबको बताना चाहते हैं कि जो टारपोलिन भी यूज़ करते हैं हम, जो पैकेजिंग में यूज़ होता है, सारी चीज़ें टेक्निकल टेक्सटाइल्स है। हम गारमेंटिंग एक अलग हो जाता है और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये एक वन ऑफ एक बहुत यूनिक और नीश मार्केट का शो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनली बहुत बड़ा शो है, हम 6-7 कंट्रीज में ऑर्गेनाइज होता है, उसमें से इंडिया एक है। एंड इसमें इस शो में ऐसा होता है कि 173 कंपनीज पार्टिसिपेट हुई है विथ 2900 के ऊपर के स्क्वायर मीटर के साथ। 10 कंट्रीज़ आई हुई हैं, जर्मनी से अराउंड 20 कंपनीज आई है, चाइना से आई है, इटली से है, कोरिया से है, बेल्जियम से है, सारी कंट्रीज़, 10 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इसमें दिखा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में इसकी जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत हाई हो चुकी है। आज आप मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर यू नो बुलेट ट्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर नरेंद्र मोदी जी के नए प्लान्स के बारे में, द फ्यूचरिस्टिक इंडिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ में टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज़ होती है। जहाँ तक बात की जाए 170 कंपनीज यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करती है कि यहाँ कोलैबोरेट करें उनके साथ, अपना राष्ट्रीय मार्केट में भी बिकती है ये। जहाँ तक बात की जाए किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकतों की जरूरत होती है, समर्थन की जरूरत होती है, आपके इस प्रोजेक्ट इस एग्जीबिशन किन लोगों ने सपोर्ट किया है? सबसे बड़ा तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का सपोर्ट हमें लाभ हुआ है। उसके अलावा स्टेट ऑफ तेलंगाना ने हमें सपोर्ट किया हुआ है, वो भी चाहते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो वो तेलंगाना स्टेट के साथ हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट की प्लान्स कर रही है, सारे जो इंटरनेशनल कंपनीज जो आई है, जो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो तेलंगाना स्टेट के साथ करें। उसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, VDMA है जो एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है, ITA है जो एक लोकल एसोसिएशन है, ये सारे जो एसोसिएशंस है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो सारे हमें सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक बात की जाए किन ऐसी कौन सी बड़ी कंपनियाँ हैं, कुछ नाम बताइए जो आपके साथ इस बार खड़ी हैं। जैसे आपने अभी देखा फ्लोर पर गरवारे है, रिलायंस है, वेल्सपिन है, ये तो सबसे बड़ी कंपनीज है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। ये फिशरी नेट से लेके स्पोर्ट्स शूज़ से लेके रोडवे से लेके हर चीज़ के लिए टेक्सटाइल्स बनाती है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनीज है यहाँ पर, SRF है, ये सारी जितनी कंपनीज आ रही है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऐसी क्या स्कीमें हैं सरकार द्वारा जो आयोजित की गई है, जो सरकार ने नई स्कीमें लाई हैं, आप किन स्कीमों को प्रोत्साहित कर दी है? मिनिस्ट्री ने एक नोडल फॉर्मेशन किया हुआ है जो मिसेस कविता गुप्ता जी से हेड करते हैं, एंड बहुत सारे टफ स्कीम्स है, SITP स्कीम्स है जो प्रमोट करते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 9 COEs है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं इनको, ये 9 COEs 9 क्लस्टर्स को कैटर करते हैं। जैसे अगर ससमीरा का कहा जाए तो वो एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल्स को प्रमोट या फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अतीरा है जो कॉम्पोजिट्स के ऊपर रिसर्च करती है, ऐसे 9 डिफरेंट सेगमेंट्स को लेके हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया हुआ है, हमने उनको इस शो पे प्रमोट कर रहे हैं सो दैट ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, इसको एक बढ़ावा मिल जाएगा हमारे शो पे। कोई एक संदेश पूरे देशवासियों के लिए अपनी कंपनी की तरफ से? हमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, हमें ये जानना है कि आज आप उठ रहे, बैठ रहे, जा रहे, चल रहे, हर जगह पे हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आप सोचते हो, देखो आसपास की क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, आपको जैसे पता चलेगा आप इस इंडस्ट्री की बढ़ावत और ग्रोथ उसके साथ हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। इस पूरे प्रोसेस के बारे में मराठी में 5-10 लाइन आप बोलिए प्लीज। एक मिनट, मतलब मराठी थोड़ा नहीं आता है, महाराष्ट्र हूँ। टेक्निकल टेक्सटाइल है अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल इंडिया जे है जे अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल नॉन वोवन प्रमोट करना हा प्रदर्शन घातलेला है।
त्या प्रदर्शनामध्ये 173 कंपनीज पार्टिसिपेट केले 10 कंट्रीजमधून 10 प्रदेशातून आले आहेत. चायनामधून आहेत अराउंड 40 वरती कंपनीज. आपल्याकडे जर्मनीमधून अराउंड 20 कंपनीज आलेले आहेत. जर्मनी इटलीमधून आहेत, बेल्जियममधून आहेत, कोरियामधून, तायवानमधून आहेत. तर असे 10 कंट्रीजचं रेप्रेझेंटेशन आहे या प्रदर्शनामधून. आम्हाला हे एक प्लॅटफॉर्म बनवायचं आहे ज्याच्यामुळे त्या इंडस्ट्रीला एक ग्रोथ मिळते, एक बढावा मिळतो या इंडस्ट्रीला पुढे जाण्यासाठी. आणि ह्यांना म्हणजे जे इंटरनॅशनल कंपनी जे आले आहेत ते इकडे इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीसाठी आले आहेत, ते मेक इन इंडिया प्रमोट करण्यासाठी आले आहेत. कारण की ते इकडे येऊन ते इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी बघणार, कोणत्या प्रोडक्शन कंपनीबरोबर कोलॅबरेट करू शकतील आणि त्यांच्याबरोबर बसून प्रोडक्शन युनिट आणि प्रोडक्शन कॅपॅसिटी वाढते इंडियाची. आणि मग त्याला ते आपण इंडिया पूर्ण मार्केट आणि प्लस आंतरराष्ट्रीय मार्केट दोन्हीला सप्लाय करण्यासाठी हे बनवण्यासाठी हे कोलॅबरेशन्स आहेत. टेक्सटील हा ब्रँड हा खूप वर्षापूर्वी जुना आहे. फ्रँकफर्ट म्हणून चालू होतो. फ्रँकफर्टमध्ये मेन शो आहे जो पूर्ण वर्ल्ड आणि युरोप मार्केटला करतं आणि आपण हा एशियन मार्केटसाठी प्रमोट करतो आहे. यावर्षी 50% आपण वाढली आहे आपली शोची साईज. आणि त्याच्याबरोबर त्या शोमध्ये आपण बघायचं आहे की पूर्ण एक इंडस्ट्रीला एकत्र कसं आणू शकतो. पूर्ण इंडस्ट्री जे आहे, आपण उठतो बसतो जेव्हा पण असतो जे काही करतो त्याच्यामध्ये टेक्निकल टेक्सटाईल्स यूज केलेली असते. आज आपल्या रोडमध्ये आहे किंवा शूजमध्ये आहे किंवा आपले चष्म्याचं जे हे असतं कपडा तो पण एक टेक्निकल टेक्सटाईल आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल एका छोट्या शब्दात जर मी बोलू तर असं आहे की जे टेक्सटाईल्स ज्याच्यावरती मेकॅनिझम आणि टेक्निकली प्रोसेस्ड असतं त्याला टेक्निकल टेक्सटाईल. त्याचे प्रॉपर्टीज वेगळे असतात, त्याची क्वालिटीज वेगळी असते आणि त्याचं एक स्पेसिफिकेशन असतं ते त्याच एंड यूजला वापरलं जातं त्याला आपण टेक्निकल टेक्सटाईल. आणि जे इकडे आपल्याला बघायला मिळतं. देखिए ये जो इवेंट है इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये पहली बार है कि हम मैसे फ्रैंकफर्ट के साथ इस टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम को स्पॉन्सर कर रहे हैं. तेलंगाना जो स्टेट है वो अपने आप में ही सबसे नया और सबसे यंग स्टेट है. 2014 में ही ये स्टेट फॉर्म हुआ था और 2014 के बाद से अब 3 तक में इस स्टेट ने बहुत सारी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने की जो ईज़ है उसमें ये स्टेट अभी 2 से नंबर 1 स्टेट है अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स. इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स का एनुअल सर्वे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है ये सर्वे. इस सर्वे में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तेलंगाना 2 से नंबर 1 है. 3 की इसकी हिस्ट्री है और 2 से ये नंबर 1 स्टेट है. टेक्सटाइल्स में जैसे ही तेलंगाना फॉर्म हुआ, एपी से अलग हुआ, तो सारा जो कॉटन ग्रोइंग जो सारा एरिया था वो तेलंगाना के साथ रह गया और सारा जो कॉटन प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग यूनिट्स थे वो सारे एपी में चले गए. तो अभी स्थिति ये है कि तेलंगाना 3rd लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट है इंडिया में. ओके, 60 बेल्स ऑफ कॉटन, 60 बेल्स कॉटन के एवरी ईयर तेलंगाना में प्रोड्यूस होते हैं और उसमें से सिर्फ 20% इस स्टेट में कंज्यूम होते हैं. 80% कॉटन बेल्स तेलंगाना से तमिलनाडु जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बाकी सारे स्टेट्स में जाते हैं जहां पर कॉटन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं. तो ये इसे हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं, इसे बहुत बड़ा गैप मानते हैं और इसके लिए तेलंगाना ने 2 इनिशिएटिव लागू किए हैं. सबसे पहला, अगस्त में ही तेलंगाना ने अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की है. ये टेक्सटाइल पॉलिसी जो टेक्सटाइल यूनिट्स को इंसेंटिव्स देते हैं, सपोर्ट देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, ये पॉलिसी लॉन्च करते ही सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे बेहतर इंसेंटिव्स इस पॉलिसी में पाए जाते हैं. देखिए, इसके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या चीज़ है. टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक बहुत ही छोटा इस समय और एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है. 2 तरह के टेक्सटाइल्स होते हैं लार्जली. एक तो है कि आप जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स हैं उसमें भी जो लोअर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक जो कपड़ा बनाते हैं उसमें
बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और बहुत कम स्कोप होता है बिजनेस को प्रॉफिटेबली ग्रो करने का, और उसमें बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज से बहुत कंपटीशन होता है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है हायर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स का, जिसमें हम ऐसे टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करें जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड हो। तो ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है ये एक हायर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का सेगमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि नॉर्मल कपड़े से फायर रेजिस्टेंट कपड़ा महंगा होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल कपड़े से वाटर रेजिस्टेंट कपड़ा महंगा होगा। तो वो जो हायर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स है उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स आता है, एंड ये इस समय इंडिया में बहुत छोटा सेगमेंट है। इंडिया पूरे देश में ये सेगमेंट बढ़ रहा है और हमारी कोशिश ये है कि ये तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बढ़े। या सो एज आई सेड टेक्निकल टेक्सटाइल्स इज समथिंग दैट वी रियली एंड वेरी बैडली वांट टू अट्रैक्ट टू दिस स्टेट, टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद मेसे फ्रैंकफर्ट इंडिया एंड टेक टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस। व्हेन वी वेंट आउट आस्किंग इफ वी वांट टू टॉक टू टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेयर शुड वी गो टू, द वन आंसर दैट वी रिसीव्ड वाज दैट यू शुड गो टू टेक टेक्सटाइल इंडिया कॉन्फ्रेंस वेयर द ऑल द प्लेयर्स इन द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ देम अब्रॉड, they are going to come here, they are going to display their exhibit their products, and it is a very good forum to come and talk to the technical textile industry. That's the reason why we are here, that's the reason why we are partnering and sponsoring this event, and we are very hopeful that we can attract a lot of this technical textile industry to the state of Telangana. I welcome all of you to come to our pavilion, it's right next to this stall, and tomorrow we are going to give a very detailed presentation on Telangana state, on its textile policies and the mega textile park that we are developing in Warangal. All of these details will be shared with you tomorrow. I welcome you all to come there. Thank you.